सो दोस्तों, तुम्हारा भाई फिर से एक और न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग पर डीजे स्टेटस का ट्यूटोरियल लेकर आ गया है, जो बहुत खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, आज का जो स्टेटस आपको देने वाला हूँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टोरी पर बहुत ज़्यादा लग रहा है। दोस्तों, इसी सॉन्ग पर हम सोचे कि आज आपको स्टेटस दे दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल में ये सॉन्ग चल रहा है। तो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। तो आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अगर मतलब लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का स्टेटस कैसा लगा। तो चलो दोस्तों, फटाफट से आज का प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल समझा देंगे, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तो चलो फटाफट से प्रूफ देख लीजिए, लेट्स गो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का स्टेटस, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग कमेंट से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलती है। दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का स्टेटस कैसा लगा। चलिए तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास रहना चाहिए अलाइट मोशन। अगर पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको मोड भरना चाहिए, जिसका वाटरमार्क नहीं आता है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके आसानी से वहाँ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो दो प्रोजेक्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सॉन्ग बीट मार्क और सके फिर दोनों को इंपोर्ट करना है। दोस्तों, कैसे इंपोर्ट करेंगे दोस्तों, जैसे कि अपने मेरा ये वीडियो मान लीजिए ये वीडियो, जैसे टाइटल पर क्लिक करेगा, ऊपर के स्क्रॉल करेगा, तो जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क और सके फिर, और यहाँ पर XML फाइल भी मिल जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, और दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक वेबसाइट पर ले गया। और दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरा ऊपर कर देना है, एकदम पूरा ऊपर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे करना है, एकदम थोड़ा सा। जैसे ही नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बीट मार्क। ठीक है, तो जैसे ही बीट मार्क पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको अलाइट मोशन में डायरेक्टली आपको ये लेके चला जाएगा। आप देख सकते हैं, वेरिफिकेशन करेगा और यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन दे देगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आप सर्टिफिकेट को भी इंपोर्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी जैसे यहाँ पर देखिए अलाइट मोशन ओपन करना है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा हिंदी सॉन्ग बीट मार्क और सर्टिफिकेट को, दो चीज़ मिल जाएगा, दोनों प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट करने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी बीट मार्क पर क्लिक कर देंगे, हिंदी सॉन्ग बट पर, और जैसे यहाँ पर किस प्रकार से मिल रहा है, इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करना है, बैक कर देना है, प्लस एंड क्लिक करके आपको यहाँ पर 9.16 का इसी में दो फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है, प्लस एंड क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, में ये सारा फोटो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप देख सकते हैं जितने फोटो करा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये सारा फोटो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में फोटो लीजिएगा, और फ्रेम क्लिक करके इसको फिल कर एरिया क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक करके फ्रेम PNG कर लेना है आपको यहाँ से दो फोटो का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज दो फोटो में सेव कर लेना है, उसके बाद इसको डिलीट करके फिर से प्लस क्लिक करके मीडिया जाके यहाँ पर दूसरा वाला फोटो ले लीजिएगा, और फ्रेम क्लिक करके इसको फिल कर एडिट क्लिक कर देंगे, शेयर गैम क्लिक करके फ्रेम PNG इसको भी कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अपना भी फोटो लगा के आप कर लीजिएगा, या किसी और को भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पर सेव कर लीजिए इसको, उसके बाद डिलीट कर देंगे, इसको न्यू प्रोजेक्ट बन गया है, इसको डिलीट कर देंगे, अब इसका कोई काम नहीं है। सॉन्ग बीट मार्क में चले जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे लगाएंगे दोस्तों, एकदम वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तब आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले एक प्लस में क्लिक करके मीडिया पर जाकर कोई भी फोटो यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, जैसे फोटो लिया, फिर हम क्लिक करके इसको फिर कैसे क्लिक करके आगे वाले फ्रेम करके फिर से आगे वाले फ्रेम क्लिक करके इसमें मिला देंगे इसे। ठीक है, मिलाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मिल चुका है, इसमें बैक कर देंगे, बैक करने के बाद उसे इधर आएंगे और इधर नीचे करेंगे, जो बिना स्टेटस टैग दिख रहा है उसको ऊपर हम लोग आ देंगे, और इसको हम लोग इस इफेक्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। इफेक्ट को कॉपी करने में बिना स्टेटस टैग दिख रहा है दोस्तों, जो लिख रहा हुआ है बिना स्टेटस, इसी पर क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसको, इस पर क्लिक करके अभी जो फोटो लिया है इस पर क्लिक करके इफेक्ट को बस इसको पेस्ट पे कर देगा, तो ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो गया, और इस वाला को हम लोग देखिए क्या करेंगे। अब देखिए इसमें फोटो लगाना है दोस्तों, और बैटरी भी जो दिख रहा था बैटरी में सब चीज़ आ रहा था, तो सबसे पहले ग्रुप टू कॉपी ऊपर मेरे सबसे लिख रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे, एडिट ग्रुप पे जाएंगे दोस्तों, जो 100 वाला दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बंद है, इसको चालू कर देंगे, ये कंटिन्यू मतलब जो काउंटिंग करने लगा जो हरा वाला है इसको चालू कर देंगे। ठीक है, तो बस उसके बाद से ये काम कंप्लीट हो जाएगा।
अब इसके बाद नहीं करना है कुछ, दो बस इसको दो चालू करना है, दो बंद रहेगा, और तीसरा चालू नहीं करना है, ध्यान रखिएगा उसको बैक कर देना है। अब देख सकते ऊपर में बैटरी शो होने लगा, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो फोटो लगाना है, इसमें देखिए कैसे फोटो लगाना है। सबसे नीचे वाला ग्रुप वन पर क्लिक करेंगे और एडिट ग्रुप पर जाना है दोस्तों। यहाँ पर जो सबसे ग्रुप नीचे एंड ग्रुप मास्किंग दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर जाना है, और जो बिना स्टेटस टैग दिख रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ पर मूवमेंट ट्रांसफर पहले जाना है। और दोस्तों ये जो आइकन दिख रहा है दो नंबर पर इस पर क्लिक करके ये -90 डिग्री रहेगा, इसको हम लोग कर देंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री करने के बाद कलर स्किल पर जाके अभी जो फोटो आपने दो फोटो को लिया था PNG में दोस्तों, उस फोटो को हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है सर। जैसे कि मैं दो फोटो यहाँ पर प्लस के आइकन जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है सर। आप कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इसको सेट करना है अपने हिसाब से। तो अच्छा से दूसरे मैं दूसरा फोटो लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला फोटो सेट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका, थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो चुका है, इसमें बैक कर देंगे। बस आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वीडियो को देखते रहेगा, उस पर अगर ये वाला जो आपको दिल टूटा हुआ दिख रहा है इस पर अगर आप दूसरा लगाना चाहते हैं इसके एडिट टेक में जाके इसको कट करके आप दूसरा यहाँ पे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं तो यही रहने देता हूँ, मेरे को यही ठीक लग रहा है तो मैं यही रहने देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप लगा सकते हो, उस पर बैक कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें फोटो आ जाएगा। और दोस्तों उस पर ग्रुप वन के ऊपर भी एक ग्रुप वन कॉपी दिख रहा है उसके ऊपर, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, एडिट ग्रुप पे जाएंगे, सेम प्रोसेस इसका भी एक ग्रुप एंड मास्किंग पे जाएंगे, एडिट ग्रुप पे जाना है, फिर से यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, मूवमेंट ट्रांसफर जाकर इसमें पहले इसको हम लोग -90 डिग्री रहेगा, पहले हम लोग इसको 0 डिग्री कर लेंगे, और कलर स्फिल पर जाकर इसको हम फ्लिक कर सके। अब दूसरा फोटो यहाँ पर कोई भी ले लेंगे 9.16 वाला रेसिव वाला, तो मैं फटाफट से कोई फोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये प्लस का क्लिक कर दिया और मेरा ये फोटो लग चुका है, आप देख सकते हैं। इसको भी एडिट करना है तो इसको कट करके एडिट टेक्स्ट में जाके इसको कट कर दीजिएगा और दूसरा यहाँ पे फोन ले लीजिएगा आपका हिसाब से। तो मैं कोई भी रख लेता हूँ, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस प्रकार से और कुछ छोड़छाड़ नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि दोनों में हमारा फोटो लग चुका है और ऊपर दोस्तों इमोजिंग आ रहा था, वो कैसे आएगा देखिए, कैसे कैसे क्या करना है, वीडियो कंटिन्यू देखते रहेंगे। प्लस में क्लिक करके मीडियो जाके एक वीडियो क्लिप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरा, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैं भी डाउनलोड करके रखा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ले लिया और इसमें देखिए इमोजिंग है, इस पर क्लिक करके इसको ले लेना है दोस्तों। यहाँ पे लेने के बाद इसको इस वाला तिरंग क्लिक करके आ जाना है। अब देखेंगे इतना बड़ा है तो इसको पहले इस पर क्लिक करके आपको एकदम इधर इधर कर देना है, ठीक है, इसको मिला देना है, ठीक है। तो मिलाने के बाद इधर आएंगे और जो बचा हुआ भाग जा रहा है इसे कट कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक में आ गया है। अब इसको पहले सही करना है तो इसको क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग में जाएंगे और यहाँ पर लाइट में जाकर पहले स्क्रीन कर लेंगे, स्क्रीन करने में मूवमेंट टेंस में जाके इसको हम लोग छोटा करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद इसको इधर करना है, ऊपर एकदम ऊपर करना है, ऊपर आपको एकदम लगाना है, ठीक है सर। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा देना है, तब आपको बैठ जाएगा अपना हिसाब से, अपना हिसाब से मतलब आप लगा लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो इधर वाला काम है कम्प्लीट रेडी हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर एकदम कंप्लीट रेडी हो चुका है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों नंबर आता है इधर, इधर पहले फोटो लगा लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इधर उसका इफेक्ट बहुत आसान है लगाना, मैं इसलिए मैं निक नहीं लिखा हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं दो ही इफेक्ट है लगाना मैं आपको बता देता हूँ। प्लस में क्लिक करके मीडिया पहले जाकर कोई भी फोटो यहाँ पर ले लेता है, थ्रेम क्लिक करके इसको फिल्म से एडिट क्लिक कर देना है, आगे थ्रेम क्लिक के बच्चों को भाग कर सॉरी यहाँ पर फिर से क्लिक कर देना है, नहीं मिलेगा तो बीट, ठीक है। तो आप किसी प्रकार से प्लस क्लिक करके मीडिया जाकर पहले आप सब फोटो ले लीजिए, पहले प्लस में क्लिक करके मीडिया जाकर इसको पहले आप फोटो इधर सारा लगा लीजिए, इधर कुछ प्रकार सारे बीट के हिसाब से पहले फोटो लगा लीजिए। तो मैं फटाफट दोस्तों लगा के आता हूँ, उसके बाद आपको हम आगे प्रोसेस बताता हूँ, नहीं तो मैं लगाते रहूँगा तो आपको पता है ना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगी और वीडियो में आपको मज़ा नहीं आएगा और बिल्कुल भी मेरे को भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से कंप्लीट करके आता हूँ, फोटो जितना लगा के आता हूँ बीट के हिसाब से, उसके बाद आपको सेकी फिट लगाना बता दूँगा कैसे कैसे लगाना, ठीक है। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ओके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारे बीट के हिसाब से फोटो कुछ प्रकार से लगा चुका हूँ, देख सकते हैं वीडियो के आप स्क्रीन पर कि मैं फोटो सारा लगा के आ चुका हूँ। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा फोटो लगाने की जरूरत नहीं, इसको लाइक कर देंगे, लगाने के बाद सेकंड इफेक्ट में जाएंगे और दोस्तों फर्स्ट वाला फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक करके इफेक्ट को हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इफेक्ट को कॉपी करने के बाद इनसे हिंदी सॉन्ग बीट मार्क में चले जाएंगे, बीट मार्क में जाने के बाद तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर के स्क्रॉल कर देना है और दोस्तों यहाँ पर आ जाना इधर, और जो बड़ा वाला फोटो दिख रहा है यहाँ पर बड़ा वाला फोटो इस पर क्लिक करके हम लोग जो ये इस पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर ये जो छोटा जो फोटो दिख रहा है इसको हम लोग नहीं करेंगे, फिर अगले फोटो क्लिक करके इसको हम लोग पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। फिर से अगले आए में जैसे जो बड़ा बड़ा मतलब फोटो मिलेगा ना उसमें हम लोग को ये वाला इफेक्ट को फर्स्ट वाला फोटो को इफेक्ट को अप्लाई कर देना। आप देख सकते कुछ अलग प्रकार से मैं ये वाला इफेक्ट को आप लोगों के लिए मैं बनाया हूँ, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करके जाएगा। देख सकते हैं यहाँ कुछ अलग प्रकार से आपको दिख रहा है, इसी प्रकार से आपको ये मतलब बड़ा वाला फोटो आपको बस लगा देना है बड़ा में।
उसके बाद आपको छोटा छोटा मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लगाना है, बस दो ही इफेक्ट है, आपको पता चल ही जाएगा कि कौन कौन इफेक्ट लगाना है। दोस्तों आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये मैं कुछ इस प्रकार से लगा चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो काम है कंप्लीट हो चुका है, बड़ा वाला फोटो में लगा चुका हूँ, उसको ब्रेक कर देंगे और यहाँ पे सेकंड इफेक्ट में चले जाएंगे। फिर से अब जो दूसरे नंबर पर फोटो आ रहा है जो वाटर ड्रॉप वाला फोटो है यहाँ पे, इस पर क्लिक करके हम लोग इफेक्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद बैक करके आपको हिंदी सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना है दोस्तों, और यहाँ से ऊपर की स्क्रॉल करके आपको इधर आ जाना है, और जो जो जो, जो मतलब जो छोटे 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 मिल रहे हैं आपको, जो छोटे छोटे लेयर दिख रहे हैं, अब इसमें इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पे लगा लीजिएगा, फिर यहाँ पे लगा लीजिएगा, जो छोटे छोटे फोटो दिख रहे हैं मतलब जो जो छोटे छोटे बचे हुए हैं फोटो आप सारा में, इसमें ई वाला इफेक्ट लगा लीजिएगा। तो चलो दोस्तों आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, और जो भी प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो को रिलेटेड मतलब, तो इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, आपको मतलब रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि शेयर कैमरे क्लिक करके बस इसका एक्सपोर्ट कर, आपका वीडियो बनकर दोस्तों रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।